नमस्कार, डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन जिसका नाम सुनते ही हम सभी भयभीत हो जाते हैं। कभी अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर हमसे यह कह दे कि हमारे किसी फैमिली मेंबर को वेंटिलेटर पर लिया जा रहा है तो हम सभी घबरा जाते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन गंभीर बीमारियों के कारण मरीज को वेंटिलेटर पर लेना पड़ता है और हम इस भ्रम को भी तोड़ेंगे कि क्या किसी मृत व्यक्ति को वेंटिलेटर पे रखा जा सकता है या नहीं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर के प्रसिद्ध और अनुभवी सीनियर क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज आनंद। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज आनंद, सीनियर कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर फोर्टिस हॉस्पिटल। आज बात करूंगा वेंटिलेटर के लिए। वेंटिलेटर क्या होता है, इसका क्या उपयोग है, ये कब लगाया जाता है, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। मित्रों, वेंटिलेटर एक मशीन है जो उन स्थितियों में लगाई जाती है जब किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आती है। वेंटिलेटर एक बेसिकली मशीन है जिसके द्वारा हम मरीज के फेफड़ों में, एक तरह से आप कह सकते हैं, हवा फूंकते हैं। वो मरीज जिनको पूरी रक्त में किसी भी वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, या वो मरीज जिनके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, उनमें अधिकतर मामलों में वेंटिलेटर का उपयोग होता है। वेंटिलेटर एक मशीन है जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड मशीन होती है। इसमें एक टर्बाइन होती है जिसके द्वारा कुछ फोर्स से हम मरीज के फेफड़ों में ऑक्सीजन भेजते हैं। वो मरीज जिनके की कोई ऐसी बीमारी है कि उनके फेफड़ों में या रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर नहीं हो रही है, उन मरीजों में इसका अत्यधिक उपयोग होता है। नेचुरली ये अधिकतर अस्पतालों में प्रयोग में ली जाती है, काफ़ी एक्सपर्ट गाइडेंस में, जो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट होते हैं या सीनियर फिजिशियंस होते हैं। इसका प्रयोग काफ़ी एम्बुलेंस में भी होने लगा है, जब एक गंभीर मरीज को घर से या अस्पताल से एक दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना हो। और आजकल वो मरीज जो बड़े लंबे समय तक बीमार हैं, जिनको लंबे समय तक वेंटिलेटर की आवश्यकता है, उनको हम लोग कई बार बहुधा मेडिकल गाइडेंस में घर पे भी वेंटिलेटर का प्रयोग होने लगा है। इसके अलावा वेंटिलेटर का प्रयोग उस दौरान भी होता है जब मरीज किसी भी जटिल सर्जिकल प्रक्रिया में हो और मरीज को बेहोश करना पड़े, और कई बार मरीज के श्वसन तंत्र पे हम नियंत्रण करना चाहते हैं, उन मरीज को भी उस सर्जरी के दौरान वेंटिलेटर पे रखा जाता है। अब एक वेंटिलेटर को मरीज तक जोड़ने के लिए एक उसके श्वसन तंत्र में एक नली डाली जाती है, जिसको हमारी भाषा में एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन कहा जाता है। इस एंडोट्रैकियल ट्यूब को फिर हम वेंटिलेटर से कनेक्ट कर देते हैं और एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट फिर ये तय करता है उस मशीन के द्वारा कि उस मरीज को कितने प्रतिशत ऑक्सीजन ज़रूरत है, कितना प्रेशर पर वो ऑक्सीजन देनी है, कितनी देर उसको इनहेल करना है, कितनी देर एक्सहेल करना है, और इन सब के द्वारा उस मरीज की बीमारी या अवस्था के आधार पर हम ये तय करते हैं कि उसकी वेंटिलेटर सेटिंग्स क्या रखी जाएं और उसको कैसे मैनेज किया जाए। देखिए, मैकेनिकल वेंटिलेशन पे जो इलाज किया जाता है, ये कोई एक बार का इलाज नहीं है, ये एक डायनामिक प्रोसेस है। मरीज की बदलती अवस्था, मरीज की बीमारी की गंभीरता की बदलती स्थिति के आधार पे वेंटिलेटर की सेटिंग्स भी अक्सर, बल्कि रोज ही हम बदलते हैं, और हमारा प्रयास ये रहता है कि जल्दी से जल्दी इस मरीज को वेंटिलेटर से निकाला जा सके। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस दो तरह से मरीज को वेंटिलेट किया जा सकता है। एक तो जैसे मैंने कहा, एंडोट्रैकियल ट्यूब के द्वारा उसकी श्वास नलिका में एंडोट्रैकियल ट्यूब डाल के वेंटिलेटर से कनेक्ट करते हैं, इसको हमारी भाषा में इन्वेसिव वेंटिलेशन कहते हैं। दूसरी तरह का वेंटिलेशन होता है जिसमें मरीज की सांस की नलिका में नली नहीं डाली जाती, बल्कि एक मास्क के द्वारा जो उसके मुंह और नाक पर लगा दिया जाता है, उससे मरीज को ऑक्सीजन दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद की जाती है। इस प्रकार के वेंटिलेशन को
नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन बोलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किन मरीजों को वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। देखिए, मोटे तौर पर आप मान सकते हैं कि अगर मरीज को किसी भी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है या वो अपने आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पा रहा है तो उसे वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है। अब इनमें वो बीमारियां होती हैं जैसे कि निमोनिया, जैसे कि एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या ARDS, जैसे किसी को चोट लग गई है, आघात हुआ है, फेफड़े में चोट लगी है, या वो मरीज जो पूरी सांस नहीं ले पा रहे हैं कि उनके सिर में चोट लगी है, हेड इंजरी के पेशेंट्स, या किसी भी वजह से मरीज अगर बेहोश है और अपनी सांस खुद नहीं ले पा रहा है तो उसको ये असिस्टेड वेंटिलेशन हमें देना पड़ता है। इसमें कई तरह की पॉइजनिंग्स भी होती हैं, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। एक बहुत कॉमन कारण हमने देखा ही है, स्वाइन फ्लू या इवन कोविड में जो पेशेंट्स थे जिनके फेफड़ों में मेजर आघात हुआ था, उनमें बहुत वेंटिलेटर ने लाभ दिया है। देखिए, वेंटिलेटर एक लाइफ सपोर्टिंग प्रणाली है, ये मरीज की जिंदगी बचाती है। अगर सही समय पर मरीज को वेंटिलेटर लगाया जाए, वेंटिलेटर देने के दौरान उसकी सही तरीके से देखभाल की जाए, तो मैं अपने 10 में से 6 मरीजों को वेंटिलेटर से सकुशल निकाल पाता हूँ। लेकिन वेंटिलेटर के अपनी भी कुछ जटिलताएं हैं। सबसे पहले तो जो नली डालते हैं हम सांस में, जिसको एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन बोलते हैं, उसके लिए एक उच्च स्तर की दक्षता की आवश्यकता होती है। दूसरा, वेंटिलेटर पे ज़्यादा दिन अगर मरीज रहता है तो हरदम रिस्क रहता है कि जो श्वास नलिका उसके मुंह से उसके फेफड़े में जा रही है तो उसके मुंह में जो बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया बहुधा उस नलिका के द्वारा उसके फेफड़े तक जा सकते हैं और उससे उस मरीज को वेंटिलेटर की वजह से निमोनिया, जिसको हम लोग वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया या वैप बोलते हैं, उसकी संभावनाएँ रहती हैं। इसके अलावा अगर वेंटिलेटर को यूज़ करने वाला उसको ढंग से उसको आता नहीं है और अगर वो गलत प्रेशर देता है तो बहुधा ऐसा भी हो जाता है कि फेफड़े की झिल्ली फट जाती है, जिसको हम लोग न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। वो एक काफ़ी जटिल कॉम्प्लिकेशन है, इसमें अगर तुरंत हम उसका निदान ना करें, उसका उपचार ना करें, तो मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा कई बार मरीज का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है वेंटिलेशन के प्रोसीजर में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हालांकि ये एक जीवन रक्षक लाइफ सपोर्टिंग प्रणाली है, लेकिन इसके लिए एक दक्ष चिकित्सक का जो उस प्रणाली में अच्छे से ट्रेंड हो, होना बहुत आवश्यक है वेंटिलेटर यूज़ करते समय। अब मैं कहूँगा वेंटिलेटर को कैसे हटाते हैं और हटाते वक्त हम लोग क्या सावधानियाँ बरतते हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा, किसी पेशेंट को वेंटिलेट करना कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है। जब मैं रोज़ ICU में मेरे उस पेशेंट के सामने जाता हूँ जो वेंटिलेटर पे है, तो मैं रोज़ अपने आप से पूछता हूँ कि मैं क्या इस पेशेंट को वेंटिलेटर से हटा सकता हूँ। दूसरे शब्दों में, क्या मेरे मरीज की वो बीमारी जिसकी वजह से उसको वेंटिलेटर पर लिया था इतनी ठीक हो चुकी है कि मरीज स्वतः सांस ले पाएगा, स्वतः ऑक्सीजन ले पाएगा, स्वतः कार्बन डाइऑक्साइड निकाल पाएगा। तो हम डेली ये नोट करते हैं, डेली प्रयास करते हैं। वेंटिलेटर में मोटा मोटा कहूँ तो 2-3 मोड्स होते हैं। एक जिसको बोला जाता है कंट्रोल मोड। कंट्रोल मोड का अर्थ है कि मरीज की श्वास प्रक्रिया पे पूरा कंट्रोल डॉक्टर का है। हम डिसाइड करते हैं कि उसको कितनी ऑक्सीजन देनी है, कितना प्रेशर देना है, किस रेट पे देना है। अगर मरीज उस पर सही चलता है तो हम प्रयास करते हैं कि कंट्रोल मोड से हम उसको असिस्ट मोड पे ले जाएं या सपोर्ट मोड पे ले जाएं, जहां मरीज को खुद श्वास लेने की आज़ादी होती है। लेकिन अगर उसकी श्वास पूरी नहीं है, उसमें पूरी उतना प्रेशर नहीं है, उतनी उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो वेंटिलेटर उसको जितनी कमी है उसको पूरा करता है। तो कंट्रोल से फिर हम सपोर्ट पे जाते हैं, धीरे धीरे हम सपोर्ट कम करते जाते हैं, और जब मरीज बहुत कम सपोर्ट पे सांस ले पाता है तो हम हल्के से प्रयास करते हैं कि उसका वो सपोर्ट हटाएं, और फिर हम देखते हैं कि क्या अब मरीज पूर्णतः अच्छे से सांस ले पा रहा है या नहीं। लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं एक ICU में ही होती हैं, जहाँ पेशेंट पे मॉनिटर लगा रहता है, जहाँ डॉक्टर लगातार उस पर नज़र रखता है, ताकि अगर कुछ भी कमी हो, कुछ भी गड़बड़ हो, तो तुरंत उसको टेंड किया जा सके, तुरंत हम उसको उसकी केयर कर सकें।
देखिए, वेंटिलेटर मैं फिर कहूंगा एक जीवन रक्षक प्रणाली है अगर वो सही हाथों में है। ये दुर्भाग्य है मुझे ये कहते हुए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मरे हुए मरीज को वेंटिलेटर पर डाल सका। मैं इसको भी यहाँ क्लियर करना चाहूँगा, किसी भी मृत्यु व्यक्ति को आप वेंटिलेटर पर ज़्यादा देर नहीं रख सकते, क्योंकि व्यक्ति का शरीर अकड़ जाता है। मैं कितनी भी ऑक्सीजन देता रहूँ मरीज को राइगर मोर्टिस में चला जाता है। और इसलिए अगर आपको ये लगता है कि कोई चिकित्सक आपको ज़बरदस्ती वेंटिलेटर पर सांसें फूंक के मरे हुए व्यक्ति को भी रख सकता है तो एक भ्रांति है, इस भ्रांति को न रखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। फिर भी अगर आपको कोई मन में कोई भी संशय है वेंटिलेटर या वेंटिलेटेड पेशेंट या कोई भी गंभीर रोगी के संदर्भ में, तो आप कभी भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर में, सदैव आपके लिए तत्पर। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे डॉक्टर पंकज आनंद, जिन्होंने हमें वेंटिलेटर के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों से परामर्श करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dadup.com को विजिट कर सकते हैं। हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल, यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल दैट ऑफ हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।